हेलो नमस्कार बंधुमान चर में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों को 25/10/2023 को पत्र लिखा गया है शिक्षा विभाग को। उसमें अतिथि शिक्षकों की जो भी समस्या है उसका निराकरण करने के संबंध में पत्र लिखा गया है। अतिथि शिक्षकों के द्वारा बहुत सी समस्याएँ जिसका निराकरण जल्द जल्द किया जाए। एक तो विभागीय परीक्षा, दूसरा अनुबंध और तीसरा अतिथि शिक्षकों को बाहर ना किया जाए, निकल चुके उनको नियुक्त किया जाए। इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। वीडियो बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो अब लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे अपडेट पाने के लिए। अतिथि शिक्षक संघ जिला दमोह द्वारा लिखा गया प्रति जो भेजी गई है जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जिला दमोह। विषय है अतिथि शिक्षकों की निम्न समस्याओं के संबंध में। नंबर एक, जिला शिक्षा अधिकारी दमोह द्वारा जारी आदेश क्रमांक 6/14 दिनांक 17/10/2023 जो कि दमोह के अलावा प्रदेश के किसी भी जिले में इस तरह का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया। संचालन लोक शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल पत्र क्रमांक 284 दिनांक 3/10/2023 को आगामी आदेश तक तत्काल रोक लगाते हुए पत्र क्रमांक 286 दिनांक 4/10/2023 जारी किया जाए और उपयुक्त आदेश क्रमांक 286 के परिपालन में प्रभावित अतिथि शिक्षकों को रिक्त पदों पर समायोजित करते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी रहली जिला सागर का आदेश क्रमांक 582 दिनांक 10/10/2023 जारी किया जाए। अतः प्रभावित अतिथि शिक्षकों को रिक्त पदों पर समायोजित हेतु आदेश जारी किया जाए और विकासखंड अमला जिला बैतूल समायोजित किया जाए। अतिथि शिक्षक आदेश क्रमांक 812 दिनांक 19/10/2023 को संलग्न है। नंबर दूसरा, लोक शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक 232 भोपाल दिनांक 28/8/2023 के बिंदु क्रमांक 2 में अगस्त 2023 तक के वेतन भुगतान हेतु आदेश जारी किया जाए जो कि आज दिनांक तक भुगतान नहीं किया गया। विकासखंड पथरिया जिला दमोह में आज भी जुलाई और कई फरवरी का मानदेय बकाया है। नंबर तीसरा, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल मंत्री परिषद आदेश आवंटन क्रमांक 3 दिनांक 9/7/2023 के परिपालन निर्माण में राज्य शासन इत तत्काल प्रभाव से अप्रस्त करते हुए अतिथि शिक्षकों को प्राप्त मानदेय में वृद्धि कर मासिक मानदेय वर्ग 1, 2 और 3 के लिए 18,000, 14,000, 10,000 रुपये दिया जाए। 9 सितंबर को दिए जाने वाले संबंधित आदेश जारी किए गए हैं जो कि सितंबर माह में पूर्व में निर्धारित मानदेय के भुगतान ही बिल जारी किए जा रहे हैं। जबकि कार्यालय सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग जिला मंडला द्वारा जारी आदेश क्रमांक 6/6/76 दिनांक 18/10/2023 में 9 सितंबर से दुगना मानदेय दिए जाने संबंधी स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए दुगना मानदेय दिया जा रहा है। नोट, उपयुक्त तीन बिंदुओं के संबंध में आदेश प्रतिलिपिक संकलन है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपयुक्त तीन बिंदुओं के संबंध में अति शीघ्र स्पष्ट आदेश जारी करते हुए समस्याओं का समाधान करने की कृपया करें। प्रदेश संयोजक पवन प्यासी ये भेजा गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अतिथि शिक्षकों ने तीन बिंदुओं की मांग रखी है, इनका बढ़ा हुआ वेतन दिया जाए, जो अतिथि शिक्षक निकल गए उनको पुनर्नियुक्त किया जाए और आगे से निकाला ना जाए।